बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है यार इतना, मतलब क्या बोलेंगे, कब काम को भी जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बहुत ज़्यादा दर्द है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे ये तीन देख रहे हैं, तीन मतलब उंगली का पूरा हड्डी, ये बीच में पूरा हड्डी टूट गया था। तो वाइफ को, वाइफ का कॉलेज का एग्ज़ाम भी था और उसको मतलब पैसा की बहुत ज़्यादा नीड थी। 17 दिन हुआ था जब मेरा प्लास्टर हुआ था यहाँ पे हाथ पे, तो वो मैं तोड़ दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, और कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी दोस्तों ठीक ठाक हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारे शांतारा ब्लॉग्स में। और अभी इवनिंग का वक्त है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ड्यूटी छुट्टी होगी तो इधर ड्यूटी तरफ से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और इधर का माहौल देख सकते हैं, काफ़ी सुहाना है। और वैसे आज रुक रुक के बारिश हो रही है तो वैसे तो मौसम तो पूरा साफ ही है। और इधर देख सकते हैं पूरा ही हरियाली, एकदम धान सब रोपे तो वो पूरा हरा भरा हो गया है। देख रहे हैं दोस्तों पूरा ही उधर तक, पूरा जिधर देखेंगे उधर पूरा हरा भरा खेत, एकदम ऐसा लगता है झारखंड आसपास ही हूँ ऐसा लग रहा है। और ये पास में है रेलवे का फाटक, तो अभी तो नहीं है ट्रेन वैसे, तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ और रेलवे फाटक क्रॉस करता हूँ। सारे लोग कमेंट करते थे कि हमारे इधर तो झारखंड में बारिश नहीं, तो इधर गोवा में बारिश हो रही थी तो भेज दिया हूँ दोस्तों। अगर पहुँचा है हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, बारिश इधर अभी तो कम है बारिश, तो देख सकते हैं इधर भी तो दाड़िया जैसा है, दाड़िया जैसा समझ रहे हैं ना, तो ज़्यादा मतलब खेत जैसा भी नहीं है, लेकिन इधर भी धान डाल दिए हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ है और एकदम हरा भरा हो गया एक ही हफ्ता में। तो आज मैं गया था करीब रूम से, मेरे रूम से करीब 6 किलोमीटर इतना दूर गया था आज काम करने के लिए, थोड़ा दूर ही है। तो आज तो वैसे बारिश नहीं है तो अच्छा है, एकदम आराम से पहुंच जाऊंगा, नहीं तो रेन कोट पहनना पड़ता है ना। रेन कोट में क्या होता है ना, घुटन सी लगता है मेरे को सच में, थोड़ा हवा नहीं लगता है ना और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है, इससे थोड़ा घुटन सी होती है रेन कोट पहनने में। तो वैसे बारिश नहीं है तो एकदम मस्त हवा खाते हुए जा रहा हूँ मैं। हम लोग जिधर काम कर रहे थे उधर उतना ज़्यादा बारिश तो नहीं है, नहीं आई थी, लेकिन इधर तो देख सकते हैं पूरा ही रोड गीला है, शायद इधर मतलब आई थी बारिश, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है एक मॉल, शॉपिंग मॉल, और बहुत ही बड़ा है वैसे, हमारे देखते देखते ही बनाए हैं और इसको भी बनाए हैं देखते देखते ही, और देख सकते हैं लेकिन बहुत 50% ऑफ है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है इसमें, एकदम फिक्स रेट। सो गाइस, यहाँ पे सिग्नल लग गई है तो अभी रुके हुए हैं, वो देखिए उतला सर्कल और सिग्नल लग गई है तो बस रुके हुए हैं सिग्नल के पास। अभी उधर की गाड़ी जाएगी तो इधर का हम लोग का चांस निकले जाने के लिए, तो चलिए सिग्नल से निकलता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। ओके, सिग्नल में तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है, बॉम्बे और दिल्ली जैसे तो ट्रैफिक नहीं रहती है। वैसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे एक्सीडेंट सब होगा तभी इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक हो जाता है, नहीं तो उतना ज़्यादा तो मतलब दिल्ली और बॉम्बे के जैसे तो उतना ट्रैफिक नहीं रहता। थोड़ा ज़्यादा ही बारिश हुई है ऐसा लग रहा है, ताकि पूरा रोड देख सकते हैं पूरा ही भीगा हुआ है। तो मैं अभी कुछ ही देर में अभी रूम पहुंचने ही वाला हूं। सो गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और साइकिल इधर खड़ा कर दिया हूं। और एक प्रॉब्लम मेरा मतलब छत ही उजड़ गई, इतना ज़्यादा हवा आया ना तो छत ही उजड़ गया, देख सकते हैं पूरा इधर पूरा फाँका दिख रहा है और इधर भी पूरा फाँका दिख रहा है, देख रहे हैं ना पूरा बीच का जो था वो पूरा उड़ा के ही लेके चला गया यार, कहाँ पे चला गया। अभी इसको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तब तो गया पूरा बारिश में, पूरा रूम भीग गया। हाँ वही तो, इधर संगे बोल रहे हैं कल से तो पूरा ही सत्यानाश हो गया। अब इधर वाइफ
सब हमको गुड इवनिंग कैसे हैं, हम लोग तो एकदम ठीक हैं। गुड इवनिंग। और इधर निशा भी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बोलो सबको गुड इवनिंग, बोलो सबको गुड इवनिंग। पूछो कैसे हैं। और पूछो कैसे हैं तब। ठीक आप लोग कैसे हैं। हेलो मिस, हाँ आप लोग को, आप लोग बताइएगा कैसे हैं बोल के। तो चलिए फटाफट से चढ़ते हैं, इधर भी पूरा भोंगड़ा हो गया, पूरा उजार कपड़ा भी भीगा हुआ है और नीचे मतलब क्या बोलने का फूटता है चलने से, तो संभाल संभाल के मेरे को चलना पड़ रहा है। तो चलते हैं यार, उतरते हैं। ये देखिए इधर ही ख़राब हुआ था, इसको ढक दिया मैं, जैसे तैसे बस यार गुजारा कर रहे हैं। और दूसरे जगह में रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेगा ना इसलिए। और इधर खेत देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा है एकदम, खेत खलिहान। इधर ये क्या कर रही है, हाँ क्या कर रही है तुम? हाँ बिल्ली अंदर ला रही है। बिल्ली? किसका बिल्ली है? मेरा। तुम्हारा बिल्ली है? हाँ तुम पापा गलती है बिल्ली को, तुम पापा गलती है बिल्ली को, हाँ बता दो। सकती है कि नहीं सकती है? हाँ नहीं तो मेरा बिल्ली। अरे मेरे लिए चाय बना देना, थोड़ा भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा। अरे तुम क्या कर रही है ढुकुर ढुकुर, हाँ दरवाजा को बस देख सकते हैं सर तक खा रही है। क्या कटहल खा रही है, देख रहे हैं पूरा कटहल को काट काट के खा रही है। और इधर का हम लोग के झारखंड के जैसा नहीं निकलता है, इसको काटना पड़ता है। और बहुत शुरुआती बहुत ही मीठा लगता है मेरे को तो, मतलब इधर का कटहल पसंद नहीं लगता है वैसे। हाँ पूरा मतलब हम लोग के जैसा वैसे गीला जैसा नहीं होता है, एकदम कड़क रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा। एक खा के देखा था मैं कटहल, अच्छा लगा। मेरे को अच्छा नहीं लगा, नहीं नहीं मैं खाया हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा और मतलब ढक्का बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। ये देखिए इसका पीस कैसा है, आलू जैसे छीलना पड़ रहा है, आलू जैसे छीलना पड़ता है ना इसको। सो गाइस अभी तो बारिश भी हो रही है और अभी तो मैं नहाऊंगा नहीं ताकि और बहुत ज़्यादा मतलब अभी नहाऊंगा ना तो मतलब एकदम शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर हाथ पाँव से पूरा झनझनाहट होता है मेरा और दर्द भी करता है। वैसे अभी सर का मालिश कर दी है तो फिर से मालिश करवाऊंगा, लेकिन अभी खाना खा लेते हैं। ओके तो चलिए अभी खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। सो दोस्तों हम लोग तो खाना वाना खा लिए हैं और सरिता तो सो गई है इधर। और चलिए तो थोड़ा मेरा हाथ ना बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मतलब और ही मतलब हालात ख़राब हो रही है। तो चलिए तेल थोड़ा ये रसों वाला तेल है तो इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और इसको मालिश करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आग जल गया है तो इसको थोड़ा सा गर्म करता है, पूरा काला काला हो गया है लेकिन क्या करेंगे, लहसुन का है ना। तो चलिए गर्म करते हैं, मालिश करवाते हैं उसको। अच्छा तो देख सकते हैं दोस्तों वाइफ कैसे मालिश कर दे रही है मेरा हाथ को और बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है यार। इतना तो क्या कल काम को भी जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं यार। बनेगा 2015 की बात है दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे ये तीन देख रहे हैं, तीन मतलब लेफ्ट साइड का तीन मतलब उंगली का पूरा हड्डी, ये बीच में जो पूरा हड्डी टूट गया था। तो वाइफ का कॉलेज का एग्ज़ाम भी था और उसको मतलब पैसा की बहुत ज़्यादा नीड थी तो उसके पास पैसा नहीं था ना, इसलिए उसको मतलब पैसा नहीं था। तो मैं 17 दिन हुआ था जब मेरा प्लास्टर हुआ था यहाँ पे हाथ पे, तो वो मैं तोड़ दिया था, तो ऐसे करके तोड़ दिया था, अच्छा से भी जॉइंट भी नहीं हुआ था शायद लगता है। तोड़ के फिर पत्थर में काम करने के लिए चला गया था, बड़ा बड़ा पत्थर उठाने के लिए चला गया था। तो इसके वजह से अभी क्या होता है ना, जब ठंडापन होता है मतलब ठंडा होता है तो मेरा जो ये जो नस रहता है ना यहाँ पे हड्डी जॉइंट नहीं हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, जो अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा। और हाँ आप लोग भी ऐसा सच्चा प्यार किए थे, प्यार पाने के लिए अब कुछ किए हैं तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ आप किसी से प्यार भी किए हैं तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और इसे पागलपंथी मत कीजिएगा, लेकिन प्यार निभाइए लेकिन इस पागलपंथी मत कीजिएगा मेरे जैसा। ओके तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।